हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अंजलि गर्ग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ ट्रेडर। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द मिनी मैथ सीरीज। सो आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड सबसेट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइज, क्लास 11th में चैप्टर फर्स्ट में जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। वो करे तो आप सभी ने होंगे, बट उसमें क्या है, फिर भी सब भी बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस सपोज दैट वी हैव अ सेट हैविंग नंबर्स 1, 2, 3। ओके, तो पहले ये जानते हैं कि जो सेट है वो क्या होता है, लाइक वॉट इज सेट। सो बेसिकली सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो अगर मैं पूछती हूँ कि अगर हमें कलेक्शन लिखना है सारे वीक्स का, लाइक वीक्स में कितने डेज होते हैं, अगर हमें उसका कलेक्शन लिखना है तो उस कलेक्शन में हम लोग डालेंगे मंडे टू संडे, लाइक ऑल दी 7 days, एंड दिस आंसर विल बी सेम अगर मैं किससे भी पूछूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछती हूँ कि हमको लिखना है सेट ऑफ फेवरेट फ्रूट्स, ओके, तो फेवरेट फ्रूट्स का जो सेट होगा इट कैन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लाइक अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मेरे लिए कुछ और होगा, किसी और से पूछेगा तो उसके लिए कुछ और होगा। ओके, सो बेसिकली जो सेट होगा उसके लिए जो आंसर होना चाहिए ना, जो कलेक्शन होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए, तभी हम उसको सेट बोलेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूँ सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो जो भी कॉमा से सेपरेटेड नंबर या कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। सो अबव सेट में 1, 2, 3, दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ दी सेट ए। ओके, सो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ दी सेट ए। सो अब अगर मैं पूछूँ क्या फाई सेट का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, तो फाई को सेट एलिमेंट बताने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि फाई होता क्या है। ओके, सो फाई को सबसे पहले तो हम बोलते हैं नल सेट। इट इज़ अ नल सेट, और वी कैन से इट इज़ एन एम्प्टी सेट। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरह का ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। लेट अस सपोज दैट अगर मैं पूछती हूँ कि हमें वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं सच दैट वो नंबर्स तो होने चाहिए 1 और 2 के बीच में, एंड दी एलिमेंट एक्स शुड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो क्या हम ऐसा कोई एलिमेंट निकाल सकते हैं जो 1 और 2 के बीच में हो और नेचुरल नंबर होना चाहिए? तो हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो हम इस सेट को बोलेंगे दिस इज अ नल सेट। ओके, तो अब अगर मैं पूछूं क्या फाई एलिमेंट होगा सेट ए का, तो हमको फाई नहीं दिख रहा सेट में डायरेक्टली, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दी सेट ए। ओके, सो लेट अस कंसिडर अनदर सेट। लेट अस सपोज दैट दिस इज 5, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ओके, सो अभी अगर मैं पूछूँ कि जो एलिमेंट होगा वो कौन कौन से होंगे, तो हम बता सकते हैं कि जो एलिमेंट होगा सेट का वो कौन कौन से होगा, 5, 1 और 2। ये तो बात हो गई एलिमेंट की, एलिमेंट ऑफ दी सेट सी। अभी ये सबसेट क्या होता है, वॉट इज सबसेट? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, लाइक सबसेट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ द सेट। इट कैन बी लेस देन द सेट और इट कैन बी इक्वल्स टू द सेट। सो बेसिकली लाइक लेट अस सपोज दैट अगर मैं ये वाला सेट उठाती हूँ ए सेट, तो अगर इस सेट का मैंने कोई भी एलिमेंट उठाया और उसको मैंने एक और करली ब्रैकेट्स में डाल दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास एक सबसेट बन जाएगा। सिमिलरली 1 की जगह मैंने कोई और एलिमेंट उठा लिया तो ये हमारे पास एक और सबसेट बन जाएगा। 2 की जगह 3 ले लिया तो ये एक और सबसेट बन जाएगा। क्या इसमें मैं और भी सबसेट बना सकती हूँ? मतलब मैंने क्या करना है, मुझे छोटा एलिमेंट छोटा पार्ट उठाना है, तो 1, 2, 3 की जगह मैं दो एलिमेंट्स भी ले सकती हूँ। इट कैन बी 1 और 2। ओके, इट कैन बी 2 और 3, और ऐसे ही 1 और 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं पूछूं क्या फाइव भी सबसेट होगा, अब हमने देखा कि जो फाइव है वो क्या है, एक तरह का खाली सेट है, तो खाली सेट तो सभी के अंदर होना चाहिए इसका मतलब। तो हम बोल सकते हैं कि जो फाई होगा वो भी एक तरह का सबसेट ही होगा, किसी भी सेट का होगा, ठीक है। मतलब अगर हमें कोई भी सेट दे रखा हो एक्स वाई जेड, तो फाई जो है हमेशा हर सेट का सबसेट बनेगा ही बनेगा।
And the third, last one will be the whole set 1, 2, 3. This is the subsets of A. These are the subsets of set A. Okay. So now in the C set, now in this set, is phi is a subset of the set C. So we can directly check, like, phi is an element of the set C, and if we put a curly brackets here, so this will be a subset of C. So abhi phi in the same curly bracket is, this will be an element of the C. Ab ye kya element hoga? Yes, of course. No. This will not be a subset, because we want to check whether this is written directly in the set C. So by looking at the set C, we can say that this is not an element of the set C. Okay, so let's take another example. Now you have to tell about this set. This is A1, suppose. Take the elements as 5 in the curly brackets, and this is 1, 2 in the curly brackets. Okay, now in the comment section, you have to tell me whether phi, this is element or it is subset of the set A1. Similarly, 1, 2 with the double curly brackets, this will be an element or the subset, or it is both. Okay, so comment box में हमें लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा. Okay, thank you.